वेलकम यू ऑल इन टीआरएलएसएस क्लासेस। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स जो टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हेल्पफुल है हमारे मतलब सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आज के इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस मटेरियल्स, हिटरोजेनियस मटेरियल्स, आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, हिटरोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, नॉन होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, नॉन होमोजीनियस मटेरियल्स। तो बहुत सारे ये मटेरियल्स होते हैं टाइप। तो इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस हम लोग अच्छे समझेंगे, क्योंकि काफ़ी जनों को कन्फ्यूजन होता है कि मतलब एग्जैक्ट पता नहीं रहता है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद हमको समझ में आ जाएगा मटेरियल्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग समझेंगे वो बेस्ड ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या होता है तो वो समझते हैं। जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स मतलब हमारा ये अगर देखें, ये हमारी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल है, जो हुक्स लॉ से हम लोग पता चलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। और वो जो कॉन्स्टेंट आता है उसी को हम लोग कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद दूसरा जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो हमारा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस कैसे फाइंड आउट होता है, वो रेशियो होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेंथ से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद के हमारा होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो हमारा पॉइसन रेशियो होता है, ठीक है। तो पोजिशन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये सब को हम लोग कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस मटेरियल्स के बारे में समझते हैं। तो जैसे होमोजीनियस मटेरियल्स क्या होता है, जैसे एक हम लोग बॉडी ले लेते हैं, ये हमारा बॉडी है। तो बॉडी को इस मटेरियल जो है इसको हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहेंगे। यदि हमारा सपोज कोई दो पॉइंट्स ले लें, ए पर कोई पॉइंट्स है या कोई भी एल पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं, सपोज एल कोई पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है, सपोज इलास्टिक प्रॉपर्टीज ई जे के म्यू, ये सारे सपोज हम लोग प्रॉपर्टी को पी वन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शंस में कहीं दूसरा पॉइंट्स लेते हैं, सपोज ये हमारा एम पॉइंट्स है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज जो होगा ये भी हमारा पी वन होगा। मतलब हमारा होमोजीनियस मटेरियल्स बोलेंगे यदि हमारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में अगर डायरेक्शन सेम हो तो प्रॉपर्टी और मटेरियल्स हमारे सेम रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर क्यू कोई पॉइंट्स ले लिए और ये डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा इक्वल होगा इन केस ऑफ होमोजीनियस मटेरियल्स में। तो होमोजीनियस मटेरियल्स में ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जो है अगर सेम हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, तो उस मतलब हमारा प्रॉपर्टी सेम रहेगा। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर सपोज इस डायरेक्शन में हम लोग इस एल पॉइंट पर प्रॉपर्टी अगर पी टू है, तो सेम डायरेक्शन में यहाँ पर जो एम पॉइंट्स पर भी हमारा प्रॉपर्टी पी टू होगा और Q पॉइंट्स पर भी सेम डायरेक्शन में हमारा प्रॉपर्टी P2 ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को समझ में आ गया कि होमोजेनियस मटेरियल्स तब बोलेंगे जब हमारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में अगर सेम डायरेक्शन हम लोग में कंसीडर कर रहे हैं मटेरियल्स को, तो प्रॉपर्टी हमारे जब सेम आते हैं तो उस केस में हम लोग बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मटेरियल। तो ये समझ में आ गया होगा आपको होमोजेनियस मटेरियल। तो इसी अब दूसरा सिस्टम लेते हैं लोग, दूसरा हम लोग समझते हैं हेटरोजेनियस मटेरियल। हेटरोजेनियस मटेरियल में हमारा क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट आ जा रहे हैं, मतलब है ना। तो हेटरोजेनियस मटेरियल जैसे हम लोग हेटरोजेनियस मटेरियल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो हमारा ये कंक्रीट है, कंक्रीट इसको ले सकते हैं। कंक्रीट किसको कहते हैं, जैसे सीमेंट ये मान लो एग्रीगेट है इसमें, और ये सीमेंट है, ठीक है ना।
सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, तो ये जो एग्जांपल हो गया आपका वो हिट्रोजेनियस मटेरियल्स का हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं जैसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के बारे में समझते हैं। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या होता है? जैसे होमोजेनियस मटेरियल का एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे बार, जो स्टील बार होता है वो होमोजेनियस मटेरियल्स होता है। उसके बाद अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में आते हैं तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में क्या बोला जा रहा है कि सपोज कोई पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, अब ए पॉइंट्स में मतलब हमारा जो होगा किसी भी डायरेक्शन में, हमारे किसी भी पॉइंट्स में अगर पार्टिकुलर पॉइंट को लेते हैं और उसके कोई भी डायरेक्शन लेते हैं तो प्रॉपर्टीज हमारे सेम होंगे, तब उसको हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ अगर हमारा सपोज प्रॉपर्टी पी वन है, ये प्रॉपर्टीज मतलब ई जे के म्यू मतलब यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पोजीशन रेशियो के बारे में बोला जा रहा है। तो इस पॉइंट्स में अगर इस डायरेक्शन में अगर ले प्रॉपर्टी तो यहाँ भी पी वन होगा, ये भी पी वन होगा, इधर भी पी वन होगा, इधर भी पी वन होगा, मतलब एक पॉइंट्स में किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सब सेम आएगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि पूरा सिस्टम जो है सब जगह हमारा मतलब सेम आएगा प्रॉपर्टी, मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी एक पॉइंट्स को अगर कंसीडर किए और वहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज जो है वो सेम आएंगे। अगर सपोज दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम पी लिए, है ना, ये किसके लिए बात हो रहा है? होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के बारे में बात हो रहा है, आइसोट्रॉपिक के लिए ध्यान रखना आपको। तो यहाँ सपोज हमारे इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी पी टू है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होंगे ये हमारे पी टू ही होंगे, तो ये समझ में आ रहा होगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के बारे में आपको। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स उस मटेरियल्स को कहते हैं जिसमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स में को अगर कंसीडर करें और उसके उसी पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर प्रॉपर्टी चेक करें और सेम आ जाए तो हम लोग उसको आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स कहते हैं। और दूसरा अगर मान लो पॉइंट्स अगर हम लोग ले रहे हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में तो उस पॉइंट में भी मतलब हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है उसमें प्रॉपर्टी सेम होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी यहाँ हो, लेकिन इस पॉइंट्स के चारों तरफ जो प्रॉपर्टी होगा वही ए सेम होगा और इस पॉइंट्स के चारों तरफ जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, अब इसमें हम लोग अब जैसे मान लो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि दोनों ही चीज़ें होती है, जिसमें जैसे मान लो हमारा थर्ड केस है, जैसे हमारा ये है होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, दोनों ही चीज बोला गया है कि होमोजेनियस भी है और आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी है, तो कब हम लोग बोलेंगे कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक दोनों ही है, ठीक है ना? तो हम लोग अभी समझेंगे, जैसे काफ़ी सारे हम लोग थ्योरी जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें एजम्पशंस होता है ना, मतलब जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में तो उसमें हर समय एजम्पशंस में लिखा जाता है कि मटेरियल्स आर एज्यूम टू बी आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस, या किसी में लिखा रहता है होमोजेनियस ही है ना, तो किसी में रहता है कि, तो इस तरीके से मतलब एजम्पशंस में जो लिखा रहता है उस समय हम लोग को वो समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या चीज़ होता है। जैसे मान लो अगर एजम्पशंस में लिखा हुआ होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ठीक है, तो पहला तो होमोजेनियस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट्स मान लो ए लिए, इधर जो प्रॉपर्टी पी वन होगा है ना, और कोई दूसरा पॉइंट्स बी लिए तो यहाँ पी वन सेम प्रॉपर्टी होंगे। होमोजेनियस मतलब उस बॉडी में किसी भी पॉइंट पर पार्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहते हैं, ठीक है, तो और आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि इस पॉइंट्स में मतलब किसी भी डायरेक्शन में हमारी प्रॉपर्टी जो है इस पार्टिकुलर पॉइंट में पी वन ही होगा, है ना? तो कहने मतलब ये तो हो गए किस
प्रॉपर्टी का आइसोट्रॉपी के कारण, और होमोजेनियस के कारण क्या हुआ, ये पी वन है तो ये भी पी वन हो गया, इधर पी वन हो गया, ये पी वन हो गया, ये पी वन हो गया, मतलब कह सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस होगा तो पूरे सब जगह हमारा सेमी प्रॉपर्टी होगा, कहने के लिए इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। मतलब होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब उस बॉडी के हर एक पॉइंट्स में सेम प्रॉपर्टीज होंगे, मतलब सेम वैल्यूज होंगे, इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पोजीशन रेशियो के, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हम लोग एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा दें, जैसे अब इसमें हम लोग इसमें आ रहे हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब जैसे कोई पॉइंट्स ए लिए, ठीक है, तो इस इधर जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, इधर अलग कोई प्रॉपर्टी होगा, इधर अलग प्रॉपर्टी होगा, पी फोर होगा, इधर पी फाइव होगा, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स में अगर चारों तरफ हम लोग चले जाएं तो प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगी। तो जब इस टाइप का अगर कंडीशन हो तो उसको हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो और भी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं तो इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, लोकेशंस और इलास्टिक प्रॉपर्टीज हम लोग मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी अच्छे से आपको जो सॉलिड मैकेनिक्स का जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, और आपको कोई डाउट्स हो, सजेशंस हो तो आप भेज सकते हो ताकि हम और वीडियो को इम्प्रूव कर सकें आप लोग के लिए। थैंक यू।